नमस्कार, स्वागत है आपका। वंदे भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। पीएम मोदी का फिर तेलंगाना दौरा, वेमुलावाड़ा वारंगल जिले के मडी कोंडा में लेंगे बैठक। पीएम मोदी की 3 रैलियां आज, तेलंगाना के श्री राजा राजेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में करेंगे रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का करेंगे दौरा, यूपी में खीरी, हरदोई और कन्नौज, महाराष्ट्र के जालना में करेंगे चुनावी सभा। उत्तराखंड जंगलों की आग के मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 11 जिले प्रभावित, 7 महीने में आग लगने की 998 घटनाएं हो चुकी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने ईडी सीबीआई से मांगा था जवाब, फरवरी 2023 से हिरासत में है पूर्व डिप्टी सीएम। बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट बोला सीबीआई जांच जारी रखे, हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को नौकरियों की थी रद्द। एचडी रेवन्ना की जमानत याचिका पर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई, यौन शोषण की विक्टिम के अपहरण का मामला, आज खत्म हो रही रेवन्ना की रिमांड। केजरीवाल की जमानत पर बिना आदेश दिए उठी सुप्रीम कोर्ट बेंच, शर्त रखी सीएम सरकारी काम में नहीं देंगे दखल, अगले हफ्ते तक फिर सुनवाई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी का बयान, राज्य सरकार ने प्रज्वल के वीडियो फैलाए, पुलिस को डरा धमकाकर 25,000 पेन ड्राइव सर्कुलेट कराए, कस्टडी में रेवन्ना की हुई तबीयत खराब। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा प्रज्वल जैसो के लिए जीरो टॉलरेंस नीति, उसे देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटक सरकार ने दी। आवारा कुत्तों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में कहा मुद्दे को निपटाने में संकोच नहीं पर दायरा बढ़ाने की अनुमति भी नहीं। जुलाई में होगी संदेश खाली केस सीबीआई को सौंपने पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट बोला कुछ लोगों के निजी हितों को बचाने राज्य सरकार ने क्यों लगाई याचिका। अरुणाचल प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई तीव्रता। 13 मई को होंगे चौथे चरण के मतदान, 1,717 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला, 96 सीटों पर होंगे मतदान, चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चौथे चरण के होंगे मतदान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मतदाता 13 मई को डालेंगे वोट। मध्य प्रदेश में चौथे चरण की 8 सीटों पर होगा मतदान, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में होंगे चुनाव, 4 जून को आएंगे चुनावी नतीजे। तीसरे चरण का मतदान में 11 राज्यों की 93 सीटों पर हुई वोटिंग, 93 सीटों पर 63.34% रहा वोटिंग प्रतिशत। तीसरे चरण के रन में असम में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, 77.06% रहा मतदान प्रतिशत, यूपी में सबसे कम 57.34% रहा वोटिंग प्रतिशत। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर भी हुआ मतदान, शुरुआती 2 चरणों के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी, मध्य प्रदेश में 66.05% रहा कुल मतदान प्रतिशत, राजगढ़ में 75.39% हुई वोटिंग, छत्तीसगढ़ में 69.34% रहा मतदान प्रतिशत, सरगुजा में 77.67% सबसे ज्यादा हुई वोटिंग। रायबरेली में प्रियंका गांधी का चुनावी प्रचार, बछरावा विधानसभा के 16 गांवों में करेंगे चुनावी प्रचार, धुलवासा में नुक्कड़ सभा में होंगी शामिल। केरल बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने इलेक्शन को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा सभी बूथों से रिपोर्ट सुनना बहुत उत्साहजनक था, भाजपा ने पिछले 75 सालों से चली आ रही राजनीति को ही बदल दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव के बयान पर किया पलटवार, कहा लालू यादव जाति की राजनीति से कभी बाहर नहीं निकल सकते। कुलगाम मुठभेड़ पर कश्मीर आईजीपी विधि कुमार वृद्धि ने कहा ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा और आज दोपहर में समाप्त हुआ, इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वहां से पाकिस्तान जिहाद की बात करता है तो यहां के कांग्रेस के नेता की भतीजी वोट जिहाद की करती है बात।
बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने कहा, हम जहां भी जा रहे हैं वहां युवाओं में उत्साह और पीएम मोदी के प्रति विश्वास है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की बीजेपी की तारीफ, कहा पूरे देश में पीएम मोदी की लहर चल रही और भारत के भविष्य के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के गौरव के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरविंद केजरीवाल मामले पर दी प्रतिक्रिया, कहा लोकशाही का सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल को दे देना चाहिए। वोट डालने के बाद एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, देश में एक सशक्त लोकतंत्र में संविधान को केंद्र में रखकर पारदर्शी तरीके से सच को सामने रखकर होने चाहिए चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया जीत का दावा, कहा इस बार हर वर्ग के लोग मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे, लोग पिछली बार हुई गलती का पश्चाताप भी कर रहे हैं। भारत चुनाव आयोग ने बीजेपी फोर कर्नाटका हैंडल से कथित तौर पर मुसलमानों को लेकर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत हटाने के दिए निर्देश। आज फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धुआंधार चुनावी प्रचार, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और देवास में करेंगे चुनावी सभा और रोड शो। चौथे चरण के लिए सीएम मोहन यादव करेंगे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार, पिटलावद विधानसभा के अंबापाड़ा, कमल किशोर नागर की कथा में होंगे शामिल, बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही करेंगे रोड शो। श्रीलंका और फिलीपींस के डेलीगेशन ने देखी भारतीय मतदान प्रक्रिया, डेलीगेशन विदिशा के सुनपुरा और बागरी के पोलिंग बूथ पर पहुंचा जहां प्रतिनिधि मंडल ने चुनावी प्रक्रिया को समझा। जांजगीर चांपा जिले के 438 मतदान केंद्रों पर की गई वेबकास्टिंग से मॉनिटरिंग, कलेक्ट्रेट से मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक अफसरों ने रखी नजर। सीहोर जिले के नयापुरा के दातार नगर में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का असर, प्रशासन ने दातार नगर पहुंच ग्रामीणों को समझाकर कराया मतदान, विस्तार न्यूज के लगातार कवरेज के बाद प्रशासन तक पहुंचा था मामला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जाएंगे ओडिशा, सुबह 11 बजे ओडिशा के लिए होंगे रवाना, ओडिशा में दो सभाओं को करेंगे संबोधित। ओडिशा के चुनाव अभियान में जुटेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, ओडिशा के 4 दिवसीय चुनावी दौरे पर जाएंगे, ओडिशा के कई जगहों पर करेंगे चुनावी रैली। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी आज जाएंगे ओडिशा, काशीपुर में रोड शो के साथ करेंगे बैठक, विश्वनाथपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मालवा निमाड़ का करेंगे दौरा, प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद करेंगे प्रतिदिन जनसभाएं, एक दिन में करेंगे 6 से 8 सभाएं और रोड शो। नागदा उन्हील मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 2 महिला की मौके पर मौत, 2 मासूम सहित 6 महिला गंभीर रूप से घायल, तेज रफ्तार कार डंपर में जा घुसी। ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में लगी आग, 6 मतदान केंद्रों से मतदान सामग्री और कर्मचारियों को लेकर बैतूल आ रही थी बस, हादसे में सभी कर्मचारी सुरक्षित, 3 ईवीएम चली, मतदान कर्मियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। गरियाबंद में धान खरीदी बंद होने के 3 माह बाद भी धान का उठाव का काम नहीं हुआ खत्म, खरीदी केंद्रों में धान की कमी और गुणवत्ताहीन धान की मौजूदगी, कलेक्टर के निर्देश के बावजूद भी नहीं हुई समय पर कोई कार्रवाई। नोएडा में आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक अमान तुल्ला खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ की मारपीट, घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू की। गरियाबंद में थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर आरोपी को टॉर्चर करने का मामला आया सामने, जानवरों की तस्करी करने वाले आरोपी को करंट से किया टॉर्चर, आरोपी ने न्यायाधीश को दिखाया करंट, पिटाई के निशान, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मुरैना में बीएसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का वीडियो हो रहा वायरल, मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग की खबर का बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर किया प्रदर्शन, इस दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने सरायछोला थाने का किया घेराव, अपने समर्थक नेता की पिटाई का जताया विरोध, सिकरवार का आरोप, कृषि मंत्री इंदर सिंह कंसाना के समर्थकों ने मारपीट की। भिंड कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने दतिया जिले के 3 विधानसभाओं में मत प्रतिशत बढ़ने पर जताई खुशी, कहा मतदाताओं का जोश निश्चित रूप से सराहनीय है। राजगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद दिग्विजय सिंह ने फिर उठाया ईवीएम का मुद्दा, बोले ईवीएम में नहीं करता भरोसा, लेकिन हर पोलिंग बूथ पर हमारे 100% वोट बढ़ जाएंगे, 100 वोट बढ़ जाएंगे तो हम ईवीएम को हरा देंगे। जांजगीर में तेज रफ्तार कार ने 12 वर्षीय बच्ची को कुचला, बच्ची की मौत, सुतली गांव की घटना, सदमे में परिजन, गांव के शादी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी बच्ची।
मंडला के नैनपुर बुधवारी में बाजार में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। जैसे ही लोगों ने देखी आग, फौरन फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीएम मोहन यादव ने नीमच में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम मोहन यादव का किया जोरदार स्वागत। जांजगीर में मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार युवक की मौत। परिजन का रो रो कर बुरा हाल। जिप सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई सूचना। मुरैना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की दिखी गुंडागर्दी, कांग्रेस को वोट करने वाले लोगों के साथ की मारपीट। मतदान करते समय विवाद, घायलों ने पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज कराई शिकायत। रतलाम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले कांग्रेस डमरू बजाकर झूठ बोलकर सरकार बनाकर चली जाती है। हरियाणा में बीजेपी पर गहराया सियासी संकट, 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से लिया समर्थन वापस, कांग्रेस को समर्थन देने का किया ऐलान। बलौदा बाजार में पुलिस की दादागिरी का मामला आया सामने, पुलिस ने ढाबा संचालक को पीटा सरेआम, युवक का हाथ हुआ फ्रैक्चर, ढाबे में खाने के पैसे को लेकर हुआ था विवाद। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में नगर पालिका ने गरीबों का घर किया बेघर, अधिग्रहण मामले को लेकर हुई कार्रवाई, लोग प्रशासन से लगा रहे न्याय की गुहार। भोपाल में तीसरे चरण के मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग का मामला आया सामने, नरेला विधानसभा के ऐशबाग में फर्जी वोटिंग को लेकर मचा बवाल। सूचना मिलते ही मंत्री विश्वास सारंग ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई वोटिंग, अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। जबलपुर में पत्नी की हत्या के आरोपी पुलिस के सामने जमकर हुई धुनाई, मृत महिला की बहनों ने थाने में आरोपी को पीटा। पुलिस ने आरोपी शुभम के अलावा उसके 3 दोस्तों को किया है गिरफ्तार। रीवा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 14 साल की गुमशुदा नाबालिग को हैदराबाद से किया बरामद, साथ ही आरोपी को किया गिरफ्तार और भेजा जेल। पन्ना में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, चाइनीज फास्ट फूड की दुकान पर मारा छापा, मोमोज में इस्तेमाल होने वाली चटनी को किया जब्त, जांच के लिए भेजा सैंपल। मोमोज को खाने के बाद बच्चों के बीमार होने की मिल रही थी शिकायत। सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा का विवादित बयान, बोले चुनाव के बाद पूरा गांधी परिवार देश छोड़ने को हो जाएगा मजबूर। बुरहानपुर में फिर एक बार निगम महापौर के वादे निकले झूठे, 4 वार्डों का पानी निकला दूषित, प्रयोगशाला में भेजे थे जांच के सैंपल, दूषित पानी से डायरिया के मरीजों में हुई थी बढ़ोतरी। मुंगेली में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस कमेटी की सचिव रितिमा लालन ने थामा बीजेपी का दामन, विधायक पोनू लाल की मौजूदगी मिली सदस्यता। मंदसौर में कम मतदान होने पर कांग्रेस नेता दिलीप सिंह गुर्जर ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले कम मतदान होने से बीजेपी की बढ़ गई टेंशन, शायद उनकी ईवीएम से सेटिंग बिगड़ रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की बात कर रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक की सीआरपीएफ जवानों से हुई बहस, मोबाइल लेकर आए वोटर को रोकने से नाराज हुए प्रवीण पाठक, घटना का वीडियो हुआ वायरल। इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर किया हमला, जनसभा को संबोधित कर बोले बीजेपी राजनीतिक माफिया है, कांग्रेस उम्मीदवार का अपहरण का क्राइम किया, ऐसा करना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा। छतरपुर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, तालाब में नहाते समय हुआ हादसा, बच्चों की मौत से गाँव में फंसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भीषण गर्मी से कई राज्यों में मिलेगी राहत, बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना और महाराष्ट्र में बारिश के आसार, कई राज्यों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का किया अलर्ट, शहडोल उमरिया छिंदवाड़ा बंडला बालाघाट में तेज बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में आज और कल भी बारिश के आसार, रायपुर बस्तर समेत सभी संभागों में अलर्ट, नम हवाओं से 15 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बनेंगे बिलावल भुट्टो, कहा था नवाज जीते तो फिर नहीं संभालूंगा ये पद, पार्टी के मनाने पर हुए राजी। नेतन्याहू ने कतर के मीडिया हाउस पर लगाया बैन, हमास का समर्थन करने के आरोप, अल जजीरा के ऑफिस में घुसी इजरायली पुलिस, कैमरा फोन किए जब्त। विदेश मंत्री एच जयशंकर का बयान, बोले पीओके को फिर भारत का हिस्सा बनाएंगे, विदेश मंत्री ने कहा देश इसे भुला नहीं, सबको पता यहाँ बाहरियों का कंट्रोल कैसे हुआ। लंदन के मेयर बने पाकिस्तानी मूल के सादिक खान, सोना की पाची के कैंडिडेट को 2,75,000 वोटों से हराया, तीसरी बार चुन गए।
काहिरा में शांति वार्ता के बीच इसराइल ने हमास नेता यहना सिनवार पर हमले के प्रयास किए थे। सिनवार के करीब पहुंच चुकी थी सेना। फिल्म सावी ब्लडी हाउसवाइफ की मेन रोल में नजर आएंगे अभिनेत्री दिव्या खोसला। मूवी में एक्टर अनिल कपूर और हर्षवर्धन राणे भी दिखाई देंगे। 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आलिया भट्ट की बेटी बेबी राहा को पेप्स ने किया स्पॉट। अपने चाचू यान मुखर्जी के साथ आई नजर। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। फिल्म टॉक्सिक को करीना कपूर के रिजेक्शन के बाद मेकर्स ने शुरू की कास्टिंग। मेकर्स के कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा का नाम शामिल। रॉकी भाई और यश के अपोजिट आ सकती है नजर। मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी का टीजर रिलीज। टीजर में मनोज वाजपेयी खतरनाक अंदाज में आए नजर। 24 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। हॉलीवुड के वेटरन एक्टर बर्नार्ड हिल का हुआ निधन। 79 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। फिल्म टाइटैनिक से हुई थी करियर की शुरुआत। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग शुरू। वरुण धवन और जानवी कपूर लीड रोल में आएंगे नजर। फिल्म बवाल में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने किया था खूब पसंद। 18 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी फिल्म। सलमान खान फायरिंग केस में आरोपी की मौत के बाद आया नया मोड़। आत्महत्या करने वाले आरोपी के परिजन ने हाईकोर्ट में याचिका की दायर। परिजनों का कहना यह आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। बॉलीवुड कपल अनन्या पांडे आदित्य रॉय कपूर का हुआ ब्रेकअप। मार्च के महीने में दोनों एक दूसरे से हो गए थे जुदा। दोनों के करीबी दोस्त ने ब्रेकअप की खबरों को किया कन्फर्म। एक्टर जेसन शाह को आलिया भट्ट स्टारर फिल्म जिगरा में किया गया कास्ट। फिल्म में अभिनय के साथ करेंगे डबिंग। आखिरी बार हीरा मंचे में साथ आए थे नजर। फैशन के सबसे बड़े इवेंट मैच गाला की शुरुआत। रेड कारपेट पर कई सेलिब्स अपने अलग फैशन से दिखाया अपना जलवा। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की एक्ट्रेस अपने ग्लैम लुक में आई नजर। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की बादशाहत बरकरार। भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हराया लगातार 4वां मुकाबला। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने की सुनील नरेन और फिल सॉल्ट की तारीफ। टीम के प्रदर्शन के काफी खुश नजर आए कप्तान। 21 मई को वर्ल्ड कप के लिए यूएसए रवाना होगी इंडियन टीम। इस बार वेस्टइंडीज और अमेरिका कर रहा है T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी। हैदराबाद लगातार तोड़ रही है कई रिकॉर्ड। अब तक आईपीएल में 2 बार बन चुके हैं 270 से ज्यादा रन। फिलहाल हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में 4वें नंबर पर काबिज। रिंकू सिंह को वर्ल्ड कप में न सिलेक्ट करने पर लगातार उठ रहे सवाल। दिग्गजों ने भी रिंकू को सिलेक्ट न करने की आलोचना की। मुंबई इंडियंस की जीत से रोमांचक हुआ आईपीएल का समीकरण। एसआरएच के हारने से पूरी तरह खुल चुकी है आईपीएल में प्लेऑफ की रेस। मुंबई इंडियंस की जीत में सूर्य कुमार यादव ने निभाई अहम भूमिका। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया शानदार शतक। एसआरएच की हार से सीएसके के लिए प्लेऑफ में जाने का रास्ता आसान हुआ। मुंबई इंडियंस की जीत के साथ 3रे नंबर पर पहुंची चेन्नई सुपर किंग। इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने की शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की तारीफ। कहा दोनों वर्ल्ड कप में भारत के लिए साबित हो सकते हैं तुरु का इक्का। पैर में हुई इंजरी की वजह से नीचे बल्लेबाजी करने आए थे एमएस धोनी। शार्दुल ठाकुर से नीचे बल्लेबाजी करने आने पर इरफान पठान ने भी उठाए थे धोनी पर सवाल। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली ने की केएल राहुल की आलोचना। कहा राहुल की स्लो अप्रोच की वजह से केकेआर के खिलाफ मैच हारी एलएसजी। सुनील गावस्कर और विराट कोहली विवाद के बीच कूदे पाकिस्तानी दिग्गज। कहा दोनों ही खिलाड़ी बहुत महान और दोनों की मेरे मन में पूरी इज्जत है। पूर्व भारतीय दिग्गज युवराज सिंह ने की रोहित शर्मा की तारीफ। कहा इंडियन टीम के लिए रोहित शर्मा का होना बहुत जरूरी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।